इस फिल्टर में है ये खान तो तेरे टूटे छोटा पड़ रहा है इसमें देखिए। और हमारा रणजीत भैया को फोन लेना है फोन, तो मैंने बोला कि अभी ये हमारे मान भी पड़ेगा ना उसको तो देख के ला, मोबाइल मोबाइल कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो अभी कुछ करना तो पड़ेगा। ये सोचा अच्छा लगता है नहीं रणजीत, लगता है कि तुम्हें ये आइडिया ट्राई करना चाहिए। हमारे मान भी लेके जाओ मोबाइल वाले के पास और मोबाइल लेके आओ, क्योंकि उसको बोलना कि अभी हमने व्यापारी को नहीं दी तो पैसा नहीं है, हमारे पास मांड भी है। राम राम सीताराम सभी को। तो आज का व्लॉग अभी हम किचन में ही स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अभी खाना बनाने का टाइम हो चुका है हमारा, तो अभी पहले खाना बनाएंगे फिर बाद में सब कुछ मैनेज करते रहेंगे और हमारा व्लॉग आगे बढ़ाते रहेंगे। और बस ऐसे ही हमारा फार्मिंग का काम भी चल रहा है और नया साल भी स्टार्ट हो चुका है, तो नए साल में हमें अभी तो हमारा ये जो फार्मिंग का काम है उसमें जो नई फसल को भी बोना बाकी है, अभी दूसरे वाले खेत का आधा काम बाकी है। तो इस साल पता नहीं अभी आधे से ज़्यादा काम हुआ है आधा नहीं हुआ है, तो ये सब कुछ आजकल चल रहा है हमारे घर पे और फार्म पे। कुछ नया नया तो अभी कुछ दिखाई नहीं, फार्मिंग का काम ही है कि हमेशा मुझे लगा कि चलिए आपको क्या ही दिखाएं। वही खेत में मूंगफली ढूंढ ढूंढ के निकल रहा है ये कि ट्रैक्टर का काम चल रहा है या कुछ और, तो इससे ज़्यादा लगा कि कुछ हम घर का ही ब्लॉग बना लेते हैं। आजकल कुछ ज़्यादा नहीं दिखाते क्योंकि वहाँ पे क्या ही दिखाएं, एक एक ही चीज़ में बार बार दिखाना भी अच्छी नहीं लगता हमको और न्यू भी नहीं है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट हम मुझे नींव लगता है हमारे वीडियोस में, क्योंकि नींव होता है उसकी कुछ ना कुछ मजाकिया बातें होती रहती है और उसके साथ हमारी लक्ष्मी गायत्री का भी सब कुछ होता ही है हमारे घर में। तो मुझे बेसिकली हमारे व्लॉग में पर्सनली ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बातें तो हर कोई करता है लेकिन बातों में चुटकुले होना कुछ हंसी मजाक होना तो ही अच्छा लगता है, वरना तो किसी को बड़बड़ कोई अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अभी नहीं है तो थोड़े दिन उसके बिना ही व्लॉग बनाना पड़ेगा, तो अभी आगे बढ़ते हैं। और नीव के बजाय आजकल उसके पापा व्लॉग बना रहे हैं, हमारे व्लॉग में आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि वो क्यों नहीं आ रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है उन्हें ब्लॉग में आने की, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता बातों को, तो इसी वजह से वो नहीं आ रहे। लेकिन अभी वो ट्राई कर रहे हैं कि मैं ठीक ठीक हिंदी बोल लूँ और आ जाऊँ, क्योंकि गुजरातियों का हिंदी बोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लेकिन साथ साथ में जो गुजराती वर्ड्स आते हैं उसका प्रॉब्लम होता है। तो मैंने कहा कि हिंदी के साथ साथ गुजराती वर्ड्स भी चलेंगे, क्योंकि मैं भी कई बार यहाँ गुजराती साथ में बोल ही लेती हूँ, क्योंकि गुजराती है तो प्राउडली हम गुजराती तो बोलेंगे, तो हिंदी गुजराती मिक्स कंटेंट रहेगा लेकिन हमें चलेगा। अभी ये कितने दिनों से हमारा फिल्टर बिगड़ गया था तो अभी इसको ठीक करा के ले आए हैं विजय। क्या प्रॉब्लम थी, मोटर चली गई थी या कुछ और? केबल प्रॉब्लम था। अच्छा, इस इसके लिए पूरा फिल्टर ले जाना पड़ा। अभी देखिए यहाँ से पानी भी निकल रहा है कि ये प्रॉब्लम रहेगी थोड़े दिन। अभी इसको निकाल देते हैं पहले इसको इधर से, तो पूरा पानी इसमें आएगा निकलेगा तो फिर। देखो अभी ये फुवारा चालू आते ही, ये दो तीन दिन तो लगते ही हैं इसमें अच्छे से स्टार्ट होने के। ये इस फिल्टर में है ये खान तो तेरे टूटे इस तरह, अभी ये केबल छोटा पड़ रहा है इसमें देखिए। अभी इस केबल का क्या किया जाए, नया डलवाया है और अभी छोटा पड़ रहा है। अभी यहाँ कुछ जुगाड़ हो रहा है इसके लिए, कुछ कम टाइट करके अच्छे से लगा दिया जा रहा है।
अभी फाइनली लग तो गया। तो अभी बनने जा रही है हींडे की सब्जी और रोटी और रोटला बेटर देखा नहीं। अभी ये रोटला बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका है खाने में, जो क्योंकि कुछ कपड़े का काम लाइट नहीं आ रही थी और सब कुछ हो रहा था, तो अभी बहुत ही देर हो चुकी है। और हमारा रंजीत भैया को फोन लेना है, फोन तो मैंने बोला कि अभी ये हमारे मान भी पड़े हैं ना, उसको तो देख के लाओ तो फोन आ जाएगा। यानी कि अभी व्यापारी के पास नहीं लेके जाके मोबाइल वाले के पास मान भी लेके जाना है, 10 मोड़ मान भी लेके जाओ तो आ जाएगा एक मोबाइल तुम्हारा। क्या कहना है तुम्हारा? अभी हंस रहा है मोबाइल मोबाइल कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो अभी कुछ करना तो पड़ेगा मोबाइल के लिए। लेकिन मुझे ये सुझाव अच्छा लगता है रंजित, अभी नील क्या नाम बार बार आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ये आइडिया ट्राई करना चाहिए। हमारे मैनवी लेके जाओ मोबाइल वाले के पास और मोबाइल लेके आओ, क्योंकि उसको बोलना कि अभी हमने व्यापारी को नहीं दी तो पैसा नहीं है हमारे पास, मैनवी है। तो अभी हमें जो विंटर फसल लगानी है उसके लिए ये देखिए खाद आ गया है, और क्योंकि खाद के बिना तो फसल अच्छी होती ही नहीं है। तो अभी हमें विंटर फसल के लिए आई थिंक हम नाना जी से हम बोलते हैं उसकी फसल लगाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बड़े वाले नहीं छोटी वाली जो धानी होती है उससे इस बार हम बोएंगे। हमारी फसल विंटर की धानी ही होगी। हम हर साल तो चने ही बोते हैं, लेकिन इस साल हम चने की फसल नहीं लगा के धानी को ट्राई कर रहे हैं। और हम जहाँ पे रह रहे हैं उस खेत में तो हमने कभी भी धानी की फसल विंटर में कभी भी बोई नहीं है। आज से पहले हम जीरे की फसल ले रहे थे, उसके बाद हमने चना बोया है, और इस साल फर्स्ट टाइम हम धानी को बो रहे हैं। तो आई होप वो भी अच्छी ही हो, क्योंकि हमारे लिए चने तो बेस्ट है। यहाँ हमारे यहाँ जीरा की जो फसल है इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन चने है वो बेस्ट होते हैं हमारी जो खेत है उसमें। तो इस साल 3-4 साल हो चुके हैं हमें चने बोते बोते, तो अभी सोचा कि अभी हम चने ना बो के नेक्स्ट कुछ और ट्राई करते हैं। तो इस साल हम धानी को बोएंगे हमारे विंटर फसल के लिए। तो अभी हम हमारे केले को देख लेते हैं, क्योंकि बापो ने बोला था कि यहाँ दिवाली तक पक जाएंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि पके हैं, तो चलिए देख भी लेती हूँ कि पके हैं या नहीं। अभी देखिए पक्के तो नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े पकने की राह पे चल रहे हैं। और जब भी आती हूँ तो देखिए ये यहाँ से पीछे से लटक लटक के यहाँ आ गए। पिछली बार आई थी तो वहाँ नीचे दिखाई दिया था, और ये जो टूट गए हैं हमारे अब ये बड़े नहीं हो गए, क्योंकि जो केले की डाली थी वो पूरी तरह से लटक के टूट गई। उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, अगर सपोर्ट ना हो तो बिखर जाती है और नीचे आ जाती है। तो पकने में भी थोड़ी देरी लगती है, जिस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी जो लौंग आई हुई है केले की, तो अगर वो भी टूट के आ गई नीचे तो वो भी जल्दी नहीं पकेगी। देखिए ये दूसरी वाली लौंग है, तो ये ऊपर से अगर बहुत ही कच्ची से रहती है तो जल्दी से भटक जाती है, कट जाती है तो नीचे आ जाती है, तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। देखिए अभी इसमें भी केले आएंगे, लेकिन कब पता नहीं। तो इससे हमारा बगीचा बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी सनसेट होने में थोड़ी देर है, तो सूरज अच्छा दिख रहा है, और बीच में हमारा पपीता का पेड़ दिख रहा है। और देखने लायक बात यह है कि ये हमारा जो पपीते का पेड़ था वो नीचे गिर के टूट गया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा हेवी हो चुका था तो अभी टूट गया है। ये देखिए सारे के सारे पपीते हैं वो बिखर चुके हैं हमारे।
अभी देखिए ये खेत में से ढूंढी गई हुई मूंगफली है, तो भी ये लोग ढूंढ रहे हैं एक एक करके। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं भी ट्राई करता हूँ, कुछ लोगों की मांग है कि मैं वीडियो में आऊँ, तो मैं ट्राई करता हूँ। जो कि मुझे बहुत हिंदी नहीं आती है, बाबा हिंदी भी चलेगी, तो आज ये हमारे वाट का काम चालू है। ये देखो ये बर हमने आज बना ली है, दूसरे खेत में हमने मांडवी निकाल ली है और यहाँ आज बर का काम चालू है। देखिए ये हमारा खेत है, ये मेरे बेटे की भी मांग है कि पापा आप आओ वीडियो में, मैं भी इतना छोटा बच्चा हूँ तो भी वीडियो में आता हूँ और आपको आप नहीं आते, इसकी तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये हमारा कुआ है, ये बहुत पुराना है, वड़ का झाड़ है। देखो ये इसकी वड़वाई भी बहुत बड़ी हो गई है, पानी पूरा भरा हुआ है। इसमें नीचे कुएं में उतरने के लिए नाले की जरूरत ही नहीं पड़ती, वड़वाई से ही उतरा जाता है। तो आज का हमारा वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।